हाय फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आई हिमालय का शतावरी। और आज आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ कि आपको इसको लेना कैसे है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है और साथ में इसका साइड इफेक्ट है या नहीं। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ। तो फैमिली, शतावरी जो है एक हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और साथ में इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको मीशो और अमेजन पर दोनों जगह मिल जाएगा। इसके प्राइस की बात करें तो 157 रुपए का है मीशो पर, ठीक है। और साथ में ये जो शतावरी है ना, खास करके फीमेल के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर खास करके फीमेल अगर यूज करते हैं तो इनको बहुत सारा इनका बेनिफिट मिलने वाला है शतावरी का। पर हाँ, इसका सही तरीके से आप यूज करते हैं तो, आप शतावरी को यूज करते हैं तो आपका पीरियड जो है वो बैलेंस होगा। अगर आपके पीरियड में किसी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपके पीरियड में पेन होता है कमर में, तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आपका पीरियड इरेगुलर है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ये। आपका ब्रेस्ट अगर जो है सही से ग्रोथ नहीं हो पाया है, डेवलप नहीं हो पाया है, तो भी अगर आप यूज़ करते हैं इसको तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। शतावरी से अगर आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है और आप उसको वेट गेन करना चाहते हैं, पुट ऑन करना चाहते हैं वेट को, तो भी अगर आप शतावरी को लेते हैं तो आपका वेट जो है वो पुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। और शतावरी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वुमेंस के लिए, ठीक है, एक औरत के लिए, ठीक है। अगर आप मदर हैं, आपके जो मिल्क है ना बच्चों के लिए नहीं बन पाता है, तो इसको लेने से आपके जो ब्रेस्ट मिल्क है ना वो भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक। और इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट हैं जैसे मैंने आपको बताया शतावरी के, ठीक है। इसको लेने की बात करें कि इसको यूजेस कैसे है, कैसे आपको लेना है, तो आपको जो है दोपहर में किसी एक टाइम जो है खाना खाने के बाद एक कैप्सूल लेना है, ठीक है। और इसका वर्क की बात करें, बहुत लोग आएंगे बोलने के लिए मुझे कि दीदी ये अब काम नहीं कर रहा है या बेनिफिट नहीं मिला इसका या ऐसा कुछ भी बोलेंगे मुझे। मैं उनको बता दूं कि ये आपको जो है आप एक कैप्सूल खा लो या 10 खा ले और मुझे बोले कि जो है ये फ़ायदा नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है। ये स्लो आपको काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं ना, तो आपको कहते हैं इसका बेनिफिट जो है ज़रूर आपको मिलेगा। पर हाँ, इसको कहते हैं कब नहीं लेना है वो भी मैं बताना भूल गई थी, तो मैं बता देती हूँ कब आपको नहीं लेना है। अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम है, आप बार बार जो है बार बार यूरिन करने जाते हैं, तो आप इस कैप्सूल को नहीं ले सकते हैं। आपके बॉडी में किसी तरह की बीमारी है या किसी तरह की आप बीमार हैं, तो आप इस कैप्सूल को नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप इसको लेते हैं और आपको कुछ लगता है कि हाँ आपको इसका साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ बुरा ऐसा तो नहीं होता है, ये हर्बल है टोटली, अगर होता है तो आप चाहो तो इसको जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बता दूं, इस पर तो टोटली लिखा हुआ है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, हर्बल है, मगर हाँ आपके शरीर में बहुत सारी बीमारी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, अगर यूज करते हैं तो वो साइड इफेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से यूज करनी है और साथ में आपको अपने डॉक्टर से भी पूछ लेना है, ठीक है, तभी आप इसको यूज करना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारी वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।